नुआशी फुचोर बंगोड़े गंजे का मफलर नहीं है। मुझे भेज दिया। देखे हमारे साथ एक लालची इंसान मौजूद थे, वो एंकर नहीं है लेकिन खुद कहते हैं नुआजर आना स्ना वाला गिरफ्तार करने का कहते हैं ना, खून का गिरफ्तार नहीं होने वाला। मैं फैन से कहना चाहूंगी कि बाकी बातें मैं सोशल मीडिया पर नहीं डाल। चाहिए कि आप मनी नवाज की रेट लगा के रखिए, तो आपका इंटरव्यू शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये आप लड़की हैं तो ये लड़कों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये इमरान खान का गेटअप है। इमरान खान का गेटअप है जी। ये जो चप्पल पहनी हुई है ये भी मर्दों वाली है? हाँ, ये भी इमरान खान की। अच्छा, और ये बाल किसके हैं? ये बाल है मेरे। लेकिन ये तो पीटीए का झंडा बनाया हुआ है आपने। पीटीए का झंडा नहीं है, मेरे बाल है। अच्छा, पीटीए का झंडा नहीं, आपके बाल है। तो ये आपने नवाज शरीफ का मफलर क्यों पहना हुआ है, ये वाला? ये देखिए, पीटीआई का मफलर है, नवाज शरीफ चोर बंगोड़े गंजे का मफलर नहीं है। उसने परसों इंटरव्यू में यही पहना हुआ था। कहाँ? इंटरव्यू जब उसने इंग्लैंड में दिया ना, तो उसने यही पहना हुआ था। नहीं, उसने नहीं पहना हुआ था। अच्छा, मरियम नवाज आपको देख रही है, क्या बोलेंगे आप उसे? मैं बोलूंगी के जो ये मरियम नवाज वाला गिरफ्तार करने का कहते हैं ना, खून खान गिरफ्तार नहीं होने वाला। खान गिरफ्तार नहीं होने वाला? वो तो मरियम कहती है, आज भी उसने कहा है कि इमरान खान को अंदर करो। वो झूठ बोलती है, वो झूठ बोलती है, झूठों की इतना नहीं है। तो वो कह रही थी कि आपको भी अंदर कर दें, आप इमरान खान से प्यार करती हैं, आपको भी अंदर कर दें। कर दे, कर दे। अच्छा, आप इमरान खान से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उसे? मैं जब भी डालूंगी, किसी भी करूंगी, बाकी बातें राज है। वो राज वाली बातें तो बता दें, आपके जो फैन है ना वो कमेंट करते हैं कि वज़ीर आज़म से पूछो। मैं फैन से कहना चाहूंगी कि बाकी बातें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहती। अच्छा, आपको डर नहीं लगता अगर कोई गिरफ्तार कर ले आपको? तो डर नहीं लगता। वजीर आजम तो शहबाज शरीफ है, आप कहती हैं मैं वजीर आजम हूँ। मैं मुस्तकबिल के वजीर आजम हूँ। मुस्तकबिल के वजीर आजम तो इमरान खान साहब हैं। मैं अपने बड़े होने वाले मुस्तकबिल की। अच्छा, बड़े होने वाले मुस्तकबिल की हैं, तो फिर इमरान खान किधर जाएगा? वो भी तो बड़ा हो जाएगा ना फिर। नहीं, इमरान खान अभी इतना बड़ा है। अच्छा, अभी इतना बड़ा है। हाँ, मेरे पापा से भी बड़ा। आप वजीर आजम बन के क्या करेंगे? सब महंगाई का खात्मा करूंगी, तालीम और डैम बनाऊंगी। अच्छा। ताकि बिजली और पानी की सहूलियात हो। लेकिन वो मरियम नवाज साहब को नहीं बनने देगी वजीर आजम? नहीं, नहीं बनने दूंगी वजीर आजम। वो नहीं आपको बनने देगी? वो नहीं, वो मुझे नहीं बनने देगी, लेकिन मैंने फिर भी बन जाना है। अच्छा, उसने ना मुझे कॉल की थी और कह रही थी कि जब आपका इंटरव्यू करें तो आपको बोल रहे कि मैं आपको ना इंग्लैंड में एक फ्लैट लेके दूंगी, लेकिन आप इमरान खान को छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं छोड़ेंगे? वो कह रही मैं फ्लैट दूंगी आपको, चाहे फ्लैट ना भी दे लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, वो इतना करोड़ों रुपए का फ्लैट है बेटा। नहीं, नहीं छोड़ना इमरान, नहीं छोड़ना। नहीं, अगर उसने उसने कहा अगर फ्लैट नहीं लेगी तो मैं गोली मार दूंगी। की रेट लगा के रखी है, तो आपका इंटरव्यू शुरू हो जाए। हाँ, हो जाए, हो जाए। कैमरा सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके नाम क्या है? अली तलत। अली तलत, आगे आप यहाँ क्या करने आए? मैं यहाँ पीटीआई के वर्कर्स के इंटरव्यू करने आया हूँ। लेकिन वैसे भी आप क्या करने आए? मैं आप लोगों का इंटरव्यू करने आया हूँ, और मैंने क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, तो क्या करते हैं आप वोट किसको देने हैं? मैं तो मरियम को वोट दूंगा। इसमें लालच वाली क्या बात है, मुझे जरूरत थी, उसने मुझे भेज दिया। देखे हमारे साथ एक लालची इंसान मौजूद थे, वो एंकर नहीं है लेकिन खुद कहते, लेकिन तो नाजीन इजाजत दीजिए अपनी एंकर पर से निशाने चम को अब करें। हाँ। अच्छा ईशा, वो मैंने तो मोबाइल ले लिया, अब आप फ्लैट ले लो। नहीं लेना मैंने। क्यों नहीं लेना? आप नूली के स्पोर्ट है तो मुझे नूली वाले एंकर के साथ नहीं
दे देना। अच्छा जी, नाज़रीन देखा ये आप होंगे लालची फ्लैटो के, हम नहीं है। पहले मेरा इंटरव्यू लिया, फिर कहा जी आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे, मरीम नवाज को वोट देंगे, तो मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना। हम किराए के मकान में भी खुश है, सारी आवाम भी है। किराए के मकान में खुश हैं, मरियम नवाज से फ्लैट नहीं लेंगे, ये सारी आवाम किराए के मकान में ले लेगी, मरियम को सपोर्ट नहीं करेगी, और मुझे लालची इंसान कहा गया। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आप इस बच्ची से कितना मुतासिर हैं और क्या सोचते हैं। इसी का मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।